हेलो फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। वो खबर ये है कि एक जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में जगह दे। और आज की ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या सुसाइड ही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सुसाइड ही एक ऑप्शन बचा है। हम अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहती और हम सोचते हैं कि जिंदगी को खत्म कर लिया जाए। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसे सिचुएशंस में सुसाइड कर लेना एक बेस्ट ऑप्शन है? ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सुसाइड कभी भी एक बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। आप सिचुएशन से भाग रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा, वो रीजन बताऊंगा जो बताते हैं कि क्यों सुसाइड नहीं करना चाहिए। पहला रीजन कि आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। जब भी आपके मन में ये विचार आए खुदकुशी करने का, सुसाइड करने का, तो ध्यान रखना यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो आपके सहारे पे हैं, आपसे कनेक्टेड हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपके मन में ऐसा कोई विचार आए सुसाइड से रिलेटेड, तो अपने अंदर मत इस थॉट को अपने अंदर मत पनपने देना। अगर आपके मन में कई बार ये थॉट आ रही है सुसाइड करने की, तो इसे किसी के साथ शेयर कर लो। आपने सुना ही होगा कि दुख जो है वो बांटने से घटता है, तो अपने दुख को दूसरों के साथ बांटना सीखो। अपने जो आपके क्लोज हैं, जिन पे आपको पूरा भरोसा है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपका कोच हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती है, तो उनके साथ अपने थॉट्स को शेयर करो। वो आपको पक्का कोई ना कोई अच्छा सुझाव देंगे जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकोगे। दूसरा पॉइंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। आप किसी टाइम पे जिन सिचुएशंस को लेके सुसाइड के बारे में सोच रहे हो, वो सिचुएशंस भी परमानेंट नहीं है। जब कोई रात होती है, सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तो क्या हमेशा के लिए वो रात परमानेंट होती है? नहीं। अगले दिन फिर से सूर्य आता है, सूरज उगता है, नया दिन निकलता है, नई सुबह आती है। तो इसी तरह से दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस टाइम आपके पास जो दुख की घड़ियां हैं, वो भी टेम्परेरी हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। जो दुख का वक्त है, जो दर्द का वक्त है, वो भी गुजर जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब है टाइम के साथ चीजें बदलती रहती हैं। आज अगर सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कल को वो आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। आज अगर आप दुखी हो, तो ये नहीं कि आप आगे भी पूरी लाइफ दुखी रहने वाले हो। सिचुएशंस चेंज होंगी, सुख भी आपकी लाइफ में जरूर आएगा। थर्ड पॉइंट, लर्न टू फेस द प्रॉब्लम। आपको कठोर बनना है, आपको एक योद्धा की तरह अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। लड़ना सीखो अपनी प्रॉब्लम से। सुसाइड करना एक डरपोक इंसान की पहचान है। आपको ऐसा नहीं बनना, आपको अपनी सिचुएशंस के साथ फेस करना है। ध्यान रखना, भगवान उसी को मुसीबतें देता है जो उन मुसीबतों को टैकल करने के लिए समर्थ हो, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो। तो हिम्मत वाला बनना है। नेक्स्ट, हमारे इमोशंस भी फिक्स नहीं है। इमोशन से मेरा मतलब है जो विचार आपके मन में चलते रहते हैं, जो खलबली हमारे मन में चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है, वो फिक्स नहीं है। आपने खुद कई बार ये नोट किया होगा कि कई बार आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, गुस्से वाले इमोशंस निकलते हैं, कई बार आप बहुत खुश होते हो अपने आप, और कई बार आप दुखी होते हो। तो इमोशंस फिक्स नहीं है। तो कई बार दुख के इमोशन में आके आप लोग गलत डिसीजन ले जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर कुछ हो गया, तो उसके बाद आपके पेरेंट्स का क्या होगा, जो लोग आप पे डिपेंड हैं उनका क्या होगा। बहुत से लोग हैं जो आपसे बे इंतहा प्यार करते हैं, जो जिनके लिए उनकी दुनिया आप ही हो,
तो अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे फिर उनका क्या होगा। ठीक है, जिंदगी उसको बोलते हैं जो दूसरों के लिए जी जाती है। ठीक है, तो अपनी जिंदगी को खत्म करके इतना स्वार्थ भी मत बनो कि आपके पीछे फिर दूसरे जो लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो हमेशा के लिए ऐसे ही रोते रहें अपनी पूरी उम्र आपकी वजह से। नेक्स्ट, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही क्या है जब इतना कुछ अचीव करने के लिए इस दुनिया में। अगर आपको कोई चीज नहीं मिली, सपोज कोई स्टूडेंट है उसने बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसका आईआईटी का एग्जाम नहीं निकल पाया, तो क्या वो सुसाइड कर ले? क्या उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि उसका अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जिंदगी खत्म कर ले? क्या सिर्फ आईआईटी एनसी जिंदगी में खुश रह सकते हैं? भाई जिंदगी में हर कोई खुश रह सकता है, एक गरीब से गरीब इंसान भी खुश रह सकता है और एक अमीर से अमीर इंसान ऐसा हो सकता है वो खुश ना हो अपनी जिंदगी से। ठीक है, तो आपके पास बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। क्या पता कुछ इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा आपकी जिंदगी में लिखा हो। क्लियर। नेक्स्ट, जब भी आप सिचुएशंस में फंस जाते हो तो उन सिचुएशंस से घबराना नहीं है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ठीक है, मुसीबतों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कभी भी उनसे हार नहीं माननी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। तो आपने जिंदगी में अगर कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाएं तो उन सिचुएशंस को पूरी हिम्मत के साथ टैकल करना और उनके सॉल्यूशंस खोजने हैं। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना सभी बच्चों। क्लियर। तो अब कुछ सिंपल से स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिन स्टेप्स से जब अगर कभी फ्यूचर में आपके मन में ये ख्याल आए सुसाइड का तो वो स्टेप्स फॉलो करना बच्चों बहुत काम आए। फर्स्ट स्टेप, प्रॉमिस योरसेल्फ नॉट टू डू एनीथिंग राइट नाउ। अगर आपके मन में थॉट्स आ रही हैं सुसाइड की तो उस टाइम अपने आप को कंट्रोल रखो कि आप ऐसा कोई एक्शन नहीं करोगे जिससे, मतलब सुसाइड वाला एक्शन कोई भी नहीं करोगे। थॉट और एक्शन में फर्क होता है। अभी मेरे मन में एक थॉट आई कि मैं मर जाऊं और फिर एक्शन में सच में अपने आप को मार दूं, ठीक है ना? तो आपने अपने साथ अपने आप को प्रॉमिस करना है अगर कभी ये मन में आए कि मैं इतने टाइम तक ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो वो थॉट थोड़े टाइम बाद हो सकता है चली जाए, जैसा मैंने कहा कि टेम्परेरी है सब कुछ। तो जब वो थॉट आए उस टाइम अपने एक्शन पे कंट्रोल करना है। दिस इज स्टेप वन, अपने आप से वादा करना है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, दिस इज स्टेप वन। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके मन में बार बार सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं तो ऐसी चीजें जिनसे आप अपनी जान ले सकते हो उनको अपने से दूर कर दो। मीन्स नींद की गोलियां, नाइफ, कोई भी ऐसा हथियार जो आपके घर में रखा हो जिससे आपको लगता हो कि आप इससे अपने आप को मार सकते हो, उसे कहीं और भेज दो या आप खुद किसी ऐसी सेफ जगह चले जाओ जहां आपके मन में ये ख्याल ना आए। थर्ड स्टेप, स्टॉप यूजिंग एल्कोहल एंड ड्रग। अगर आपके मन में ऑलरेडी ये थॉट्स आती हैं मरने की तो आप तभी से ड्रग्स लेना बंद कर दो, अगर आप ड्रग्स लेते हो, या एल्कोहल लेना बंद कर दो, क्योंकि जब इंसान नशा कर लेता है तो वो अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने थॉट और एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता और तब वो ऐसी चीजों को अंजाम दे देता है। लास्ट स्टेप, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना सीखो। अगर आपके मन में कुछ है उसे उस दर्द को अपने मन से बाहर जरूर लिखो। और आखिरी एक और, बी ऑप्टिमिस्टिक, कभी भी उम्मीद मत हारो। उम्मीद पर दोस्तों दुनिया कायम है, तो कभी भी हिम्मत मत हारो। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, हर रात के बाद एक सुबह आती है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यही था, ये भी कुछ मेरे विचार थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और कभी भी अपने जीवन में सुसाइड जैसी हरकत को के सुसाइड जैसे शब्द के बारे में भी नहीं सोचोगे। ठीक है ना, तो हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सबकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, आप जैसा हो वैसा तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, तो क्यों आप मरना चाहते हो भाई? आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप कईयों के लिए रोल मॉडल हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई बहन के लिए रोल मॉडल, अपनी गली के कुछ बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल, तो आपके अंदर बहुत खूबियां हैं।
तो इसलिए आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने किसी मोटिव से आपको दुनिया में भेजा है, तो कभी भी ऐसा विचार अपने मन में ना लाने दें। धन्यवाद।